रेड वीकेंड स्टार्ट हो गया और आप कह रहे हो मुगम्बो भाई साहब रेड लेके नहीं आए, तो रेड तो भाई लाएंगे ही और रेड पेल देंगे एकदम, समझ लो आपने डायलॉग सुनो रेड पेल देंगे। तो आज भाई साहब रेड पेल देंगे बहुत जोरदार तरीके से। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन में उंगली फंसा दो। तुमने भाई साहब बाजीराव की रफ्तार के अंदर उंगली फंसा रखी है, सब्सक्राइब बटन में नहीं फंसा रखी, बहुत ही गलत बात है। दबा दो बाजू वाला बेल आइकन भी। आओ जरा पेलते हैं अब रेड को। देखो भाई रेड पेलने से पहले सबसे पहले रेड को समझना पड़ेगा और कोई लाइव अटैक कर रहा है। रेड मैप देखते हैं जरा खोल के, कौन कर रहा है, हमारी तरफ से अटैक हो रहा है। यस भाई साहब ओके ओके। अरे यार ये बुड्ढा बहुत परेशान कर रहा है भाई, बोले ही जा इसकी कोई सुने ना सुने, बोलते ही जाता है ये। यस भाई साहब अटैक कर रहे हैं, दया धनाधन ऊट पटांग अटैक चल रहे हैं, हम भी करेंगे। उससे पहले हमने जो रेड पे लिया अभी तक वो आपको रेड दिखाएंगे। 20, 22, 23, 24, 25% कर दिया यस ने, बस यस इतना ही यस था आपके अंदर। अब आगे का यशस्वी काम हम करेंगे, पर इसका अटैक खत्म होगा तभी तो हम कर पाएंगे रेड वीकेंड, तभी तो होगा। देखो हमारे अभी तक शायद 3 या 4 वो हो चुके हैं मैच मेकिंग या जो भी होता है इसमें, यार ये क्या होता है, कितने जीत चुके हम, देखो 5 जीत चुके हैं अभी तक। दिखा दे क्यों नहीं रहा ये, ये रहा देखो रोमन एम्पायर को हराया हमने, फिर ये वंशन को हराया, उसके बाद द बीस्ट को हराया, फिर एक और बीस्ट को हराया। अब ये कोई अजीब सा क्लैन है, इस वाले क्लैन को पेलने का है। ठीक है गाइस आइए जरा करते हैं इनका स्वागत अत्यंत तुरंत। एडिट आर्मी इसको हटाओ, ये लाओ, ये लाओ, इसको हटाओ, ये लाओ, सेव करो और अब हम करेंगे अटैक। हम सारे के सारे जीतते आए, सारे के सारे, एक भी ना हारे, क्योंकि हम हैं प्रो, हम हैं ब्रह्म, ठीक है, और ब्रह्म ही हैं हम। यार ये बारबेरियन कम पड़ गया मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, इसका टाउनल फोड़ने की कोशिश करेंगे हम। फूट जाएगा क्या यार, डिफेंस कितना रखा हुआ है यार इसने, बदतमीज। ओ सारे के सारे मेरे उस पर गिर गई यार, ये तो चीटिंग हो गई गाइस हमारे साथ। ये देख रहे हो कैनन कितना परेशान कर रही है हमको, बाहर की तरफ मैं उतारना नहीं चाहता आर्चर्स को यार, डैमेज तो दे देंगे बाहर से। टाउन हॉल फोड़ने की सोच रहा था मैं, पर चलो कोई नहीं, हमने नहीं फोड़ा तो हमसे अगले वाला फोड़ेगा कोई ना कोई। लगभग 50% का झटका हो गया है, आर्चर्स बहुत काम के हैं इसमें। देखो अभी आर्चर्स के सिवा हमारे पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो हम क्या ही बोले, ऐसा थोड़े ना हमारे पास हम बंदूक लेकर घूम रहे हैं, जब हैं ही आर्चर तो आर्चर से ही करेंगे। अभी हम जॉइंट पॉइंट होते तो जॉइंट पॉइंट से कर देते, पर चलो नेक्स्ट बंदा जो भी होगा उसके लिए आसान होगा टाउन हॉल को फोड़ना, इतना तो हमने कर ही दिया भाई। ठीक है अब मैं आपको रेड वीकेंड समझाता हूँ सही से। ये वो क्लैन है जो अभी तक हमने हरा दिए हैं, 1, 2, 3, 4 हमारी हो चुकी हैं रेड पेड। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही अटैक करा जो आपके सामने लाइव किया था, क्योंकि अपन बिजी थे, शादी ब्याह बहुत चल रहे हैं, बहुत नहीं मतलब बहुत चल रहे हैं भाई, तो शादी ब्याह में घूम घूम के हमने अपने जीवन की रेड पेल रखी है। अब हम यहाँ पे रेड पेल पाएंगे क्योंकि अब हमारा शादी ब्याह में घूमने का समय हो गया खत्म। यस और मैं ही लगे पड़े हैं इस वाले उसके ऊपर। अरे भाई इसका अटैक क्यों ना खत्म हो रहा, जैसे इसका अटैक खत्म होगा फिर मैं अपना अटैक चालू करूँ। उसके पास तो आर्मी बहुत ज़्यादा है यार, ये इसके पास तो आर्मी कम ज़्यादा अपग्रेडेड कर लिया है क्या इसने गाइस, मैं 3-4 दिन ऑन नहीं था, जिसका फ़ायदा उठा लिया बाकी लोंडों ने, हम कुछ कर नहीं पाए, बाकी लोंडों ने पेलते गए। कोई नहीं, अगर ये इसको मारेगा ट्रिपल अब तो हम सीधा कैपिटल पीक पे जाके अटैक करेंगे। और मेरे पास ना भाई 20 अटैक है क्योंकि मेरे पास 4 IDs हैं और मैं चारों से पेलूंगा, पर मेरे को मौका मिलेगा तब तो। इन्होंने तो गदी बिठा दी गाइस, इस बेस की गदी बिठा दी भाई साहब, यस भाई साहब ने। चलो जी ये भी बढ़िया है, अब हमारे पास है कैपिटल पीक अटैक। एडिट आर्मी इसको हटाओ, चलो जॉइंट रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, सेव कर लेते हैं, अटैक करते हैं इससे पहले कि यस भाई साहब चिपट जाए। एक छोटी सी जगह है हमारे पास अटैक करने के लिए, तो सबसे पहले इधर ही उतारना पड़ेगा अपने को ट्रूप्स को, ताकि हमारे पास जगह बढ़ती जाए, इंक्रीज होती जाए। एक बंदा देख भी रहा है भाई, ये वाला वीकेंड में थोड़ा सा दिक्कत रहा हमारे लिए क्योंकि क्लैन खाली था CWL की वजह से। अब जैसे CWL खत्म होगी ना भाई, इतना भर जाएगा क्लैन और कैपिटल पीक हमारी इतनी तेज दौड़ेगी
समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि भाई धनवान बंदे बहुत है क्लैन में यार, मजा आएगा। ये वाला भी एक बार CWL खत्म हो जाए जरा बस, रगड़ तगड़ के। हालांकि उखाड़ तो हम CWL में भी कुछ ना रहे। और जो मैं इतना ज्यादा घूम रहा हूं उसकी वजह से एक नुकसान बहुत हो रहा है मुझे, मेरे अटैक की प्रैक्टिस छूट गई है और वॉर में दनादन फेल कर रहा हूँ मैं नॉन स्टॉप। मुझे आ गया, मजा आ गया गाइस। क्लैन वाले भी यही कह रहे हैं, कह रहे मोगाम्बो भाई आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मैं जीवन में कभी भी, क्या आप इस लेवल का ओपी परफॉर्मेंस दे सकते हो, लगातार फेल कर सकते हो। मैंने कहा भाई एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, 3 स्टार तो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो, अब एक्सपेक्ट करो फेल अटैक, मैं आपको करके दिखाऊंगा नॉन स्टॉप। और वो मैं दिखा भी रहा हूँ उनको भाई, डैमेज दे देते हैं इसको ज़्यादा। ठीक है, आर्चर्स मैं बाहर की तरफ उतार रहा हूँ जानबूझ के, उस तरफ मैं चाहता हूँ ये राइट की तरफ जाएं और पहले इस बेस को बाहर की तरफ से खाली कर दें। जब ये बाहर से अच्छे से खाली जाएगा फिर इसके अंदर घुसेंगे, हम नहीं घुसेंगे किसी और को घुसवाएंगे। मैं इसमें चारों तरफ से रास्ता बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। टाउन हॉल के सामने से तो बन गया, उधर से वो वाले आर्चर्स बना रहे हैं। चलो एक आधा डिफेंस भी तोड़ देते हैं गाइस इसका, बाकी लोंडा लोग को अटैक करने में मजा आएगा उसकी वजह से। और एक आर्चर यहां उतारेंगे, एक आर्चर यहां उतारेंगे, कितना मजा आता है इसमें। आराम से तोड़ते जाओ, आगे की तरफ बढ़ते जाओ, खोलते जाओ रास्ते को, चौड़ा कर दो गाइस, छोटे से छेद को फिर वहां पे रोड रोलर दौड़ना चाहिए इतना बड़ा कर दो। क्योंकि यहां पे हमने देखो कितना बड़ा रास्ता तैयार कर दिया अपनी आने वाली आर्मी के लिए, 40% की वैल्यू निकाल दी है, जिसका मजा अगले वाला बंदा उठाएगा हमारा जरूर, 100 की 100 मौज करेगा वो अटैक के बाद। 41%, बस बेटा बस हो गया, डोंट डू जस्ट चिल, एक अटैक और करते हैं गाइस सब, क्योंकि छोड़ने का तो है नहीं, जब तक करेंगे तब तक करेंगे, क्या होता है यार वो, उसको भूल गया मैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है चलो, सारे सारे आर्चर बना लूं सोच रहा हूँ, नहीं चलो ये भी रखते हैं, 2 रखते हैं, सही रहेगा गाइस, ये नज़र पट्टू की तरह काम करते हैं हमारे, ये नज़र पट्टू से हमें अपने पट्टू की याद आ गई, हमारे पट्टू का दोस्त, हमारे नाम का दोस्त, मेरी जबान क्यों फिसल रही है भैया इतनी, मतलब हमारे दोस्त का नाम है पट्टू। इतने सारे आर्चर उतार देता हूँ, चारों तरफ से अटैक कर देता हूँ इस पे, ताकि ये कंफ्यूज हो जाए। आराम आराम से नहीं, अब तेजी से तोड़ना गाइस इसको, हमारे पास आर्मी कोई कमी नहीं, क्योंकि हम ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे, हम तो सीधा पे लेंगे अब, इसके बाद एक और अटैक करेंगे, हमारे पास बहुत अटैक्स हैं, सारे क्लैन कैपिटल को अकेला मैं ही खा जाऊंगा गाइस, मेरे पास इतने अटैक्स हैं, इसकी कैपिटल पीक पीक सब तोड़ ताड़ के घर में रख लूंगा अपने। 2 स्टार गाइस अभी तक हुआ नहीं है, 60% हो चुका है, अब तो सिर्फ मैं सोच रहा हूँ स्नीकी स्नीकी आर्चर ही बनाते हैं यार, ये काम के ही नहीं लग रहे मेरे को और चीज़ें। अब हम इस पे अपना 2nd स्टार लेंगे बहुत जल्दी, देखिए आप, डिफेंस भी तो तोड़ने पड़ते हैं भैया इसमें पहले। चलो ये भी टूट गया, अब सारे के सारे आर्चर एक एक करके मैं टाउन हॉल पे ही तोड़ूंगा, मतलब छोड़ूंगा यार। ये टाउन हॉल के पास आर्टिलरी किसने लगा के दी इसके अंदर, वो भी समझ नहीं आ रहा मुझे, टाउन हॉल के अंदर आर्टिलरी कौन देता है, पर चलो दे दी तो दे दी। टाउन हॉल नहीं, कैपिटल पीक है ना ये, कैपिटल होल हो गया, तो ये कैपिटल होल के अंदर होल करना है गाइस हमको। मेरी कोशिश रहेगी इसको अकेले ही मैं 5 स्टार मारूं, मतलब 3 स्टार जो होता है भाई, इसका तो टूट कहीं ना दे रहा, बहुत ही कैड़ा, मजबूत बहुत है इसका, हम भी जिद्दी बहुत है, तोड़ के तो हम भी रहेंगे भैया, छोड़ा तो ना है, बस टूटने ही वाला, डैमेज बहुत हो गया इसको। अरे ए गया गया, नहीं गया यार, मार देगा ये, अब तो बच ही नहीं सकता भाई, बहुत हो गई इसकी हवाबाजी, बस रास्ता बन गया। ओह ओह, काले काले जाइंट बॉम्ब्स, मोटे मोटे जाइंट बॉम्ब्स गाइस, क्या हम इसको 100% कर पाएंगे अपने बचे हुए अटैक से,
मुश्किल लग रहा है, पर देखो ट्राई करते हैं। लास्ट अटैक दिखा रहा है गाइस इस वाली आईडी का, पर आप घबराना मत, मेरे पास आईडीज की कोई कमी नहीं है, बार बार के आईडीज है। अब मैं इसको पूरा ट्रिपल मारने की, ओह यार ये जायंट बॉम्ब्स ने परेशान कर रखा एकदम से, ओह की आवाज आती है मेरी आर्मी की, वो बोल नहीं पाती इसलिए मैं बोलता हूँ। इसका डिफेंस तोड़ता हूँ पहले, डिफेंस टूट जाएगा तो अपना आप ही डेड हो जाएगा फिर। खास करके जो ये गोल गोल फेंकने वाली मशीन है, हाँ ये इसको मारो। चलो ये भी गई, नाइस। बस थोड़ा सा डिफेंस बचा है, तोड़ दो यार इसको। अरे यार दो डिफेंस रह गए, एक तो आ जाएगा, दूसरे वाला नहीं आएगा। किस्मत खराब है गाइस, अब हमें दूसरा हथियार निकालना पड़ेगा इस वाले डिफेंस को निकालने के लिए। गाइस पिछले वाले को बस एक दो डैमेज देने की कमी रह रही थी, मैं अटैक करने जा रहा था, उससे पहले यश ने आके लास्ट में आके उसको पेल पाल दिया। अब उस वाले बैटल को हम जीत गए हैं, नेक्स्ट बैटल में आ गए हैं। इसके पास आर्मी मेरे से कुछ ज्यादा ही लग रही है यश के पास, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 38% का डैमेज दिया है, मैं और यश अकेले भारी पड़ रहे हैं पूरे के पूरे झुंड के ऊपर। आइए देखते हैं कितना परसेंटेज डैमेज ये दे पाएगा, जितना डैमेज ये देगा उसके आगे का डैमेज हम देंगे। अब ये नॉन स्टॉप अटैक करे जा रहा है भाई, ये घर से पागल बन के आया, ये बावला बैठा एकदम, आ रहा है सीधा अटैक, आ रहा है सीधा अटैक। भाई बारबेरियन कैंप पे आ गए हम, एलियंस के आगे उस वाले क्लैन को भी हमने डिफीट कर दिया है, जोरदार तरीके से डिफीट कर रहे हैं हम हर एक अपोनेंट को। अनबीटेबल हो गए हम तो गाइस, एक बार ये जल्दी से खत्म करे फिर मैं इसको पेलूं। अरे मर जा, इसकी आर्मी भी तो ना मर के दे रही, सारे अटैक एक साथ यूज कर रहा है मुझे लग रहा है ये लड़का। चल मुझे अटैक करने दे, ये सब बना लिया आर्चर, चलो भाई अटैक। मेरे लेवल 1 के आर्चर है, मुझे लग रहा है इसके आर्चर भी अपग्रेडेड है। कोई नहीं, लेवल 1 से भी काम हो जाएगा अब तो, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना बेचारे के पास डिफेंड करने के लिए। डेड गाइस ये वाला बेस, बस खत्म। अब कैपिटल पीक, अब हम अटैक करेंगे कैपिटल पीक के ऊपर। चलिए जरा, इसमें तो बाहर की तरफ से बहुत वो मिल जाएगा मेरे को डैमेज, मैं इसमें अंदर जाएगा ही नहीं, मैं इसमें बाहर से रास्ता बनाएगा, ठीक है, ताकि बाकी बंदे इसको टाउन हॉल को चारों तरफ से घेर लें। आप इसमें याद रखें, अकेले आप ट्रिपल नहीं मार सकते, आपको आपकी आर्मी की यानी कि आपको अपने क्लैन की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस तरह से अटैक करें कि अगले वाले को मजा आ जाए। अब देखो मैं इसके चारों तरफ से घेर के छोटा कर रहा हूं इसके उसको घेरे को, ताकि बंदे इसमें कहीं से भी अटैक कर सके, कहीं से भी तोड़ सके। देख रहे आप कितना डैमेज दे दिया हमने इसको मजे मजे में, 49, 50, 1 स्टार निकाल लिया हमने अकेले, जो कि बहुत बड़ी बात है क्लैन कैपिटल में। 60% से ज्यादा का डैमेज आ जाएगा लग रहा है यहां पे तो। एक आधा डिफेंस भी तोड़ने की कोशिश करेंगे गाइस, अगर टूट पाता है तो बढ़िया। 64, 67, बस गाइस इतना ही। ओ 70%, अकेले बंदे ने 70% का डैमेज दे दिया गाइस, और क्या चाहिए जीवन से, थोड़े बहुत अब वो भी मिलेंगे। देखो मेडल पेडल मिलते हैं ना इसको तोड़ने के बाद, अभी दिखाता हूँ आपको। आप कह रहे हो बार बार, हाँ 1380 की लूट मिली है मेरे को, क्या बढ़िया लूट मिली है। इस वाली कैपिटल को मैं सोच रहा हूँ अकेले उड़ा देता हूँ गाइस, है ना। ओ यार बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, पता है क्या, मैं आर्चर लेके आ गया और वो लाना भूल गया वाल ब्रेकर। अब ये दीवार कैसे तोड़ेंगे बच्चे, ये बच्चे तो यहीं मर जाएंगे बिना दीवार तोड़े गाइस, हाथ पैर पटक के। ओ जॉइंट बम फंसा रखे हैं भाई इसने चारों तरफ, मोटे मोटे बम रख रखे हैं, मोटे मोटे। कोई नहीं, अटैक की संख्या बहुत है। इस वाले बेस को कैपिटल पीक को अकेले तोड़ना है मेरे को, मैंने सोच लिया है, किसी की जरूरत नहीं अपने को, अपन अकेले तोड़ेंगे इसको।
पहले इसकी ये वाली आर्टिलरी से शांत कर दूं मैं जरा, ये जो दूर दूर तक मारती है। बस एक गई 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 गई, हो गया काम बेटा। अब दूसरे अटैक से देखें हम क्या क्या तोड़ पाएंगे। इस बार लेके चल रहा हूं मैं अपने वॉल ब्रेकर से वाले बारबेरियन, अब आएगा मजा क्योंकि दीवार टूटेगी गाइस सब चारों तरफ से, और जब दीवार टूटेगी तभी तो मजा आएगा। बीडू, मैं चारों तरफ से दीवार तोड़ना चाहता हूं इस पे। अरे कहां जा रहे हैं लठ लेके, अंदर की दीवार तोड़ रहे हैं गाइस, ये तो पगलैट हो गए हैं लौंडा लोग, कहीं की भी दीवार तोड़ रहे हैं बेवकूफ कहीं के। टाउन हॉल फोड़ो यार, टाउन हॉल फोड़ना है अब, टारगेट बनाओ टाउन हॉल को। 90% हो गया, पर देखो अकेले बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अकेले फोड़ना, पर हम कोशिश कर रहे हैं इसको फोड़ने की और फोड़ के रहेंगे भाई। इसको फोड़ेंगे तभी वीडियो खत्म होगी, चाहे आज 2 घंटे की वीडियो बने। मतलब पूरा 3 स्टार मारना है इसको। सिर्फ 2 अटैक बचे हैं मेरे, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है मुझे, इसलिए जाइंट बना लेता हूँ एक गाइस, या 2 जाइंट बना लूँ क्या? जाइंट मैंने यूज करके अभी तक देखे नहीं है क्या करते हैं, चलो देखते हैं, क्या पता है डिफेंस विफेंस को भटका पाए थोड़ी देर। पहले टाउन हॉल फोड़ दूँ इसका, कितनी देर लेगा ये टाउन हॉल फटने में इसका, इतने सारे आर्चर्स की कुर्बानी दवा दी इसने हमारे, इस बार फट जाएगा, इसलिए जाइंट उतार दिया मैंने पहले ही, ताकि थोड़ा बहुत ये डैमेज ले। एक और उतार देते हैं गाइस, आर्चर देखो पीछे से क्या जोरदार काम करेंगे, जाइंट करेगा टैंक और आर्चर बना देंगे इस टैंक का महा टैंक। भाई जाइंट तो बढ़िया काम कर रहा है, पर मेरे पीछे वाले आर्चर बहुत सारे फंसे पड़े हैं, कुछ काम नहीं कर रहे बेचारे, वो सिर्फ फंसे पड़े हैं, इसके सिवा कोई काम नहीं है, दीवार तोड़ने में लगे पड़े हैं। ये तो काम हो गया गाइस इसका, तब भी मुझे लग रहा है जाइंट ही तोड़ देगा इस डिफेंस को तो अकेले। लो जी, मार दिया ट्रिपल और कर दिया बीट हमने इनको। अब शायद हम नेक्स्ट वॉर में मैप पे चले गए होंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल एलियंस डिफीटेड गाइस, 1 2 3 4 5 6 क्लैन को डिफीट कर चुके हैं अभी तक हम, तो जोरदार तरीके से चल रहा है यहाँ पे हमारा क्लैन कैपिटल रेड पेड जो भी होता है, रेड पेल दिया है। अब पे उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय बाय बाय।